हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भावेंद्र और आपका स्वागत है मेरी चैनल बीके टेक्निकल में। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको ऑल एम ट्रेड की 9 में स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूँ। तो भाई स्ट्रेटेजी 1 से लेकर स्ट्रेटेजी 8 तक के वीडियोज हमने यूट्यूब पर पहले ही अपलोड करके रखा है और साथ में प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करना। जो भाई सारी की सारी स्ट्रेटेजी वो काफ़ी ईजी है, अगर आप एक बार सीख लोगे तो आपको यहाँ पर वर्क करने में बड़ा मजा आने वाला है और साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। तो एक बार जरूर से सारे के सारे वीडियोज चेक कर लेना, अलग अलग स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी। तो भाई बात करें आज वाली स्ट्रेटेजी, तो भाई आज वाली स्ट्रेटेजी काफी इजी है, अगर आप एक बार अच्छी तरह से सीख लोगे समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रह जाने वाली है। और भाई मेन बात है तो इसका टाइम पीरियड यानी कि कितने मिनट का ट्रेड लेना है वो एक बार आप जरूर से ध्यान रखें। तो भाई वीडियो में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी वर्क करती है, किस तरह से आपको सिग्नल मिलता है और भाई किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहो और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़े ही टाइम में लाइव वीआईपी सिग्नल देने वाला हूं मेरी चैनल के ऊपर यानी कि टेलीग्राम में, तो वो थोड़े दिनों में मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि भाई किस तरह से ट्रेड डिलीवर करे अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी टाइम के ऊपर और करेक्ट टाइम पर किस तरह सिग्नल आपको पहुँचे और आप जल्दी से ट्रेड लो और आपका प्रॉफिट हो जाए। तो उसी की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाद में जाके मैं चैनल खोलने वाला हूँ यानी कि टेलीग्राम में, वहाँ पर मैं लाइव सिग्नल देने वाला हूँ। तो इसका अनाउंसमेंट मैं जब भी करूँगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना रहेगा। तो मैं थोड़े ही दिनों में बस जल्द से जल्द मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए लाइव ट्रेडिंग सिग्नल का जो मैं स्टार्ट कर दूं टेलीग्राम में, तो उसके लिए आप तैयार रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो, सारी अपडेट मैं वहां पर डालता रहता हूं। कोई गिव अवे है, कोई नया वीडियो, कोई नई अर्निंग एप्लीकेशन है तो यूजर नेम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो भाई चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर ऑल एम ट्रेड एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और उसको मैं हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि आज वाली जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी इजी है, तो भाई आज की स्ट्रेटजी में हम यूज़ करने वाले एक ऑस्किलेटर को। तो यहाँ पर जाते हैं ऑस्किलेटर में और मैं आपको बता दूं कि ऑस्किलेटर कौन सा है। तो भाई ऑस्किलेटर है ये CCI जो कि मैंने मार्क किया है। तो भाई इसको कर लेते हैं हम एड टू चार्ट, तो हमारे सामने कुछ ग्राफ वगैरह आएगा। तो भाई यहाँ पर है CCI N20, तो आपको उसको कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है, जैसे का वैसा है वैसा ही रखना है। तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो आपके सामने क्या यहाँ पर लाइन आ रही है, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ या तो लाइन आप बोलो, और साथ में यहाँ पर तीन डिजिट है 100, 0 and -100। तो जो भाई मेन है वो है 100 and -100। तो फॉर एग्जांपल जो ये ग्रीन वाली लाइन है वो यहाँ पर 100 के ऊपर है, यानी कि अभी देखो 100 के ऊपर है और जैसे ही ये नीचे आता है 100 के नीचे, तो यहाँ पर आपको 3 से लेकर 6 मिनट तक का डाउन ट्रेड लेना है। और अगर यहाँ पे -100 से नीचे है और यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर जाता है 0 की साइड में इस तरह से, तो आपको लेना है 3 से लेकर 6 मिनट तक का अप ट्रेड। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा सिग्नल था, तो ये वाला जो भाई पोर्शन है तो यहाँ पर देखो काफ़ी ग्राफ नीचे गया था और फिर एक पॉइंट आया जो कि ग्राफ यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ग्राफ कितना ज़्यादा ऊपर गया था, तो ये वाला आप यहाँ पर देखो। तो अगर आपने यहाँ पर $20 का भी ट्रेड लिया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो भाई आपको इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि -100 से ऊपर की तरफ जाता है तो 3 से लेकर 6 मिनट तक का अप ट्रेड और यहाँ पे डाउन आता है तो भाई 3 से लेकर 6 मिनट तक का डाउन ट्रेड। तो भाई ये एक स्ट्रेटजी काफ़ी ईजी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि आगे कुछ वगैरह यहाँ पर हुआ था। तो देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर देखो ग्राफ ऊपर था और इसने नीचे जाना शुरू किया, तो आपको यहाँ पे 3 से लेकर 6 मिनट तक का डाउन ट्रेड लेना होता है। तो देखो यहाँ पर भी आप देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल थी, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। तो भाई इसी तरह से ये वाली स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। तो भाई चलो एक जल्दी से अच्छी सी करेंसी देख लेते हैं, एसेट देख लेते हैं जहाँ पर हमें अच्छा सिग्नल मिलता हो। तो यहाँ पर तो है बट ये थोड़ा अभी वॉलेटाइल मुझे लग रहा है, तो और कोई करेंसी देख लेते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको लाइव अकाउंट से ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ, ऐसा है प्रॉमिस्ड। तो ये ग्राफ भी थोड़ा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे क्या आज मैं संडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप ये वाली स्ट्रेटजी ना कभी सैटरडे संडे को अप्लाई मत करो, मार्केट क्लोज होता है, करेंसी जो है वॉलेटाइल रहती है क्रिप्टो करेंसी, इसीलिए लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जाते हैं रिप्पल में, तो अभी तो कोई सिग्नल नहीं है बट हमें थोड़ा वेट करना रहेगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि और कोई यहाँ पर है बेसिक आल्ट कॉइन। ओके अभी ये डाउन आया है, तो हमें कोई अच्छा सा सिग्नल का वेट करना रहेगा।
और यहाँ पर डैश भी है, ओ ये भी ऑफ है। तो चलो एक अच्छा सिग्नल मिलने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये अच्छा सिग्नल है और हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, आप वेट कर लो थोड़ा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपल में हमें कुछ सिग्नल मिल सकता है। तो ग्राफ जो है वो काफ़ी अप जा चुका है। तो देखो यहाँ पर तो अभी थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहा है। तो कैंडल ख़त्म होने पर मैं यहाँ पर शायद ट्रेड लेने वाला हूँ, 4 मिनट का डाउन ट्रेड। तो देखते हैं कैंडल या ग्राफ किस तरह से बनता है। तो देखो अभी ग्राफ एक सेकेंड, हाँ थोड़ा डाउन आया है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया $3 का 4 मिनट के लिए ट्रेड। तो क्या अभी जो देखो ग्राफ जो है थोड़ा नीचे आ रहा था, तो मुझे लगा कि भाई ये जो ग्राफ है अभी नीचे आएगा। तो भाई 4 मिनट का मैंने ट्रेड ओपन कर लिया है $3 के लिए। तो भाई हमें 4 मिनट तक वेट करना रहेगा कि भाई रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो भाई 100 से ऊपर था, तो इसीलिए हमने डाउन ट्रेड लिया है। तो भाई चलो वेट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं ट्रेड वाले सेक्शन में कि भाई हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो अभी हम थोड़ा लॉस में चल रहे हैं, बट अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है, 3 मिनट 30 सेकेंड्स है। तो वेट कर लेते हैं कि 3 मिनट 30 सेकेंड के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो थोड़ा वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो देख लो आप। तो भी देखो अभी 1 मिनट की देरी है और हमारा ग्राफ देखो लाइन के कितना नीचे है। तो हालांकि हमने ट्रेड लिया उसके बाद ग्राफ काफ़ी अप गया था, बट मुझे पता था कि सिग्नल अच्छा है, इसीलिए मैंने 4 मिनट रखा। तो देखो अभी 45 सेकंड जैसा बाकी है और लगता है प्रॉफिट तो होगा ही। तो भाई ये तो ट्रेडिंग है, लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं बोल सकते। और ओवरऑल तो हम अभी के लिए $2.40 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो $3 का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो भाई चलो वेट करते हैं कि यहाँ पर 30 सेकंड्स बाकी है, तो मुझे तो लगता है ये प्रॉफिट ही होना चाहिए क्योंकि लाइन के काफ़ी नीचे है और अकॉर्डिंग टू हमारी यहाँ पर स्ट्रेटजी जो ग्राफ है वो काफ़ी अप चला गया था, तो इसीलिए हमने डाउन लगाया। तो ग्राफ डाउन आ रहा है, एब्सोल्युटली यहाँ पर ग्राफ डाउन में ही है, हमारी स्ट्रेटजी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। बट फिर भी आज संडे है, मार्केट क्लोज है, मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ले रहा हूँ, तो थोड़ा रिस्क तो है वैसे भी। तो इसी हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। बट आप अदर करेंसी में यहाँ पर ट्रेड लो, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, जो देखो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया है $2.40 का। तो मैंने यहाँ पर लाइव अकाउंट में ट्रेड करके दिखाया, तो भाई स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो एक बार कैंडल डिफरेंस देखो, यहाँ पर आप देखो ये थोड़ी ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पर रेड वाली थी, तो रेड वाली जो हमारा प्रॉफिटेबल हो गया, काफ़ी अच्छी लंबी नीचे आई और हमारा तो प्रॉफिट हो गया। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर गेस करना है। तो शायद हमने यहाँ पर लगाया था कुछ ट्रेड वगैरह और हमारा रिजल्ट निकल के आया है यहाँ पर। तो देखो अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, तो इसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। बट फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ट्रेड लो, ना कि सैटरडे संडे और वॉलेटाइल मार्केट हो तभी। तो पहले तो आप प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट में 10-12-15 दिन के लिए, उसके बाद लाइव अकाउंट में आना। लाइव अकाउंट में आने के बाद भी $1-2 के आप ट्रेड लेना, आपको स्ट्रेटजी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप यूज टू हो जाओ। उसके बाद आप थोड़े बड़े ट्रेड लेना $2-3-5-6-10 का, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो भाई यही थी आज की स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो भाई जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजी समझाई कि 100 से नीचे जाता है या तो 100 से अप जाता है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड वगैरह लेना है। और भाई जो मेन बात है इसका ट्रेड टाइमिंग, यानी कि 3 से लेकर 6 मिनट तक का टाइमिंग जो है वो ये वाली स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट रहता है। तो आप जरूर से ध्यान रखें, 1-2 मिनट का ट्रेड आप मत लगाओ, 3 से लेकर 6 मिनट तक का ट्रेड लो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहने वाले। और मेन बात कि रेगुलर मार्केट कंडीशन है तभी आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करो, ना कि आप सैटरडे संडे यूज करो और जब भी मार्केट बुलिश हो या फिर वोलेटाइल ज्यादा हो तो अब आप यूज मत करना, रेगुलर मार्केट है तभी यूज करना। तो भाई ऐसे ही नए नए कंटेंट देखना चाहते हो ट्रेडिंग के ऊपर, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। फ्यूचर में अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, कैंडल पैटर्न वगैरह, फिर एनालिसिस किस तरह से करना है ग्राफ को, फिर मार्केट को किस तरह से समझना है, सारी की सारी बातें हम फ्यूचर में करने वाले, धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो भाई मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिले। तो भाई चलो मिलता है इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में।